दोस्तों, तो कैसी लग रही हैं आपको हमारे LTS न्यूज़ चैनल की ताज़ा खबरें, ये बताने के लिए नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करना ना भूलें और हमारे चैनल को अपने अपडेट्स लिस्ट में ऐड करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को बॉलीवुड में उनके बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है और हाल ही में वह सोनम कपूर की शादी और फिर रिसेप्शन में धमाल मचाती हुई नजर आई थी। हालांकि उन्हें सोनम की शादी में जश्न मनाना काफी ज्यादा भारी पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर बॉलीवुड एक्टर या फिर एक्ट्रेस अपने शरीर पर अधिक काम की वजह से ध्यान नहीं दे पाते या फिर नहीं दे पाती हैं। अब इसी कड़ी में स्वरा भास्कर का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल सोनम की शादी में स्वरा को स्लिप डिस्क की समस्या हो गई। स्वरा ने अपनी इस दिक्कत के बारे में अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने बताया था कि डॉक्टरों ने उन्हें 10 दिन आराम करने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि आपको इस वक्त पूरी तरह बेड रेस्ट लेने की जरूरत है। स्वरा ने आगे बताया कि अगर अभी वह 10 दिन का बेड रेस्ट नहीं लेती है तो फिर उन्हें आगे 2 से 8 हफ्तों तक बेड पर ही रहना होगा। बता दें आपको कि स्लिप डिस्क की वजह से आमतौर पर कमर पर काफी ज्यादा दर्द होता है। स्वरा भास्कर फिल्म वीरे दी वेडिंग में नजर आने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ असावा करीना कपूर खान, सोनम कपूर और शिखर तलसानिया भी नजर आएंगी। जल्दी ही इस फिल्म का प्रमोशन शुरू होने वाला है, ऐसे में उनके न होने से फिल्म को नुकसान का भी डर है। वेल दोस्तों, अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी सारी डेली अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और कीजिए हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट का इंतजार। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब LTS न्यूज चैनल।